दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने कई बार एक ही टाइटल की कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन भले ही इन फिल्मों के टाइटल एक हो, लेकिन दोनों फिल्मों की कहानी से लेकर फिल्म के स्टार कास्ट तक काफी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन कहानी और टाइटल अलग होने के बावजूद भी कई बार इन फिल्मों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, और एक ऐसा ही टाइटल है मर्द। इस नाम से मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन दोनों ने फिल्में बनाई और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हुई नजर आई थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इन दोनों में से किसकी मर्द मूवी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुई थी? तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, इन दोनों की मर्द मूवी की कहानी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कंपैरिजन करके, और अंत में देखेंगे इनमें से किसकी मर्द मूवी बेस्ट साबित होती है। तो आइए जानते हैं कमाई की इस जंग में इन दोनों में कौन जीत पाता है। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक तो कर दो। शुरू करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मर्द से, जो साल 1998 में आई। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एसपी अर्जुन बने थे और इनके साथ गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर भी थे, जिन्होंने फिल्म में सत्यलाल और जफर का रोल निभाया। फिल्म की कहानी में एसपी अर्जुन एक ईमानदार पुलिस वाला होता है, लेकिन उसके इस व्यवहार से उसे अक्सर अलग अलग पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब एसपी अर्जुन गैंगस्टर सत्यलाल के शहर में पुलिस ऑफिसर एसपी की भूमिका निभाता है तो उसे काफी धमकियां मिलती है। लेकिन एसपी अर्जुन गैंगस्टर सत्यलाल के शहर में रहने वाले लोगों को ये आश्वासन देता है कि वो जल्द ही गैंगस्टर सत्यलाल को गिरफ्तार कर लेगा, और पूरी फिल्म गैंगस्टर सत्यलाल को हराने में निकल जाती है। पर अंत में एसपी अर्जुन जीत हासिल करता है। फिल्म की यही कहानी दर्शकों को बड़ा पसंद आई और ये दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गई, जिसके चलते 3 करोड़ के बजट वाली फिल्म 3 करोड़ की कमाई करके सफल साबित हो गई। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग कमाल की थी और लोगों को बड़ा पसंद आई। नतीजा ये हुआ कि फिल्म कामयाब हो गई। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द की, जो साल 1985 में आई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ साथ प्रेम चोपड़ा और निरूपा रॉय भी नजर आए थे, और अमृता सिंह मेन लीड में थी। फिल्म की कहानी राजू बने अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर आधारित थी। जब राजू सिंह अपने बचपन के दौर से गुजर रहा होता है तो साइमन द्वारा उसके पिता का खूब शोषण किया जाता है। साइमन के इस अत्याचार की वजह से रानी दुर्गा सिंह बनी निरूपा रॉय अपने बेटे राजू सिंह को बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ आती है, और जब राजू सिंह बड़ा होता है तो एक बार फिर राजू सिंह अपनी माँ से मिलता है, और तब राजू सिंह गांव में रहने वाले लोगों को अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचारों से बचाता है, और फिल्म एक हैप्पी एंडिंग से खत्म होती है। फिल्म की यही ड्रामा स्टोरी दर्शकों को बड़ा पसंद आई और दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गई। इसलिए 2 करोड़ 80 लाख के बजट वाली फिल्म ने 16 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट हो गई। लेकिन अगर बात करें इन दोनों में से किसकी मर्द बेस्ट साबित हुई, तो दोनों की ही फिल्म मर्द की अलग अलग कहानी थी, दोनों की स्टोरी भी अच्छी थी। लेकिन अगर हम दोनों फिल्मों की कमाई में एक दूसरे को कंपेयर करें तो अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मर्द से काफी ज्यादा हिट हुई, जो आज भी टीवी पर प्रसारित होती है। इसे देखने वालों की संख्या लाखों में है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी मिथुन चक्रवर्ती की मर्द मूवी से काफी ज्यादा अलग है, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। तो दोस्तों इन दोनों अभिनेताओं में किसकी मर्द मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।